हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पैकेजिंग सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है मोलटेक पैकेजिंग, मोलटेक ग्रुप की एक कंपनी मोलटेक पैकेजिंग, और इन्हीं के ग्रुप की एक कंपनी और है मोलटेक इंजीनियरिंग। दोनों ही कंपनी अच्छी है, दोनों ही कंपनी बढ़िया है। और आज लेकिन हम जो खासकर जो बात करेंगे मोलटेक पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। बढ़िया प्रोडक्ट कंपनी, अच्छे खासे प्रोडक्ट बना रही है और नामी ग्रामी क्लाइंट्स हैं इनके। क्लाइंट्स मैं आपके सामने रख दूं, पहले क्लाइंटेल अगर आप देखेंगे तो हल्दीराम, हेरिटेज, हाइंस, जीआरबी, डेरी डे, कॉफी कैफे, कॉफी डे, मिल्की मिस्ट, पार्ले, पेप्सी, स्कूप्स, तो देख सकते हैं अच्छे खासे एमटीआर, आईटीसी, पीएनजी, कैडबरी, अमूल, डावर, बादीलाल, क्वालिटी वॉल्स, यूनिलिवर, नेस्ले, हेडसन, हिमालया, तो इस तरीके से इनके पास में एक अच्छी खासी एक क्लाइंटेल मौजूद है कंपनी के पास में। कंपनी प्रोडक्ट्स क्या क्या बना रही है, प्रोडक्ट देखें तो इस समय पे सैनिटाइजर का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो देखेंगे तो आप, एक तो सैनिटाइजर के लिए कंपनी जो है पैकेजिंग प्रोडक्ट बना रही है, 5-6 आप देखेंगे तो कंपनी जो है 5 लीटर से 17 लीटर तक के एक अच्छे खासे एक प्रोडक्ट जो है स्क्वायर पैक बना रही है सैनिटाइजर्स के लिए। एंड साथ के साथ कंपनी क्या क्या बना रही है, एंड देखेंगे तो आप डिस्पेंसर पंप बना रही है सैनिटाइजर के लिए। डिस्पेंसर पंप जो होती हैं देख सकते हैं, इंपोर्टेड पंप्स रेडली अवेलेबल फॉर सप्लाई इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फॉर पंप्स। तो फेज वन ये है एंड फेज टू, तो देख सकते हैं कंपनी जो है, और कंपनी ने देख बोला भी है, वी आर स्टार्टिंग टू मैन्युफैक्चर पंप्स इन हाउस इन बोथ लॉकडाउन एंड ट्विस्ट एंड लॉक मॉडल्स ऑफ 7 मिलियन पर मंथ कैपेसिटी। देख सकते हैं कंपनी जो है इनको भी बनाने लग रही है, इनका भी आगे अच्छे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, देख सकते हैं। एंड साथ के साथ कंपनी देखेंगे आप जो फूड पैकेजिंग के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बना रही है, देख सकते हैं आप, आइसक्रीम, घी, एडिबल ऑयल, कर्ड, बिरयानी, जैम, स्वीट, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक, चॉकलेट, चॉकलेट चिप्स, तो देख सकते हैं किस तरीके के, ये देख सकते हैं आप प्रोडक्ट कंपनी जो है बना रही है, और अलग अलग वेराइटी के लिए, अलग अलग क्वालिटी के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए, और हर तरीके की शेप, राउंड ले लें, ओवल ले लें, प्रीमियम ओवल, स्क्वायर पैक, ट्विस्ट पैक, रेक्टेंगुलर पैक, तो पैकेजिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग FFCG के लिए कंपनी जो है प्रोडक्ट जो है बना रही है, पैकेजिंग प्रोडक्ट बना रही है। एंड साथ के साथ कंपनी पेंट इंडस्ट्री के लिए भी अपने प्रोडक्ट बना रही है, एमल्सन पैक्स, डिस्टेम्पर पैक्स, अदर पैक्स, हर तरीके के देख सकते हैं आप, 1 किलो से लेके 20 किलो तक के, तो ये जो है पेंट इंडस्ट्री के लिए भी कंपनी जो है काम कर रही है, उनके लिए भी पैकेजिंग प्रोडक्ट बना रही है। एंड साथ के साथ अब अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है लुब्रिकेंट के लिए भी पैकेजिंग बना रही है, एंड लुब्रिकेंट इंडस्ट्री के लिए, एंड बल्क पैकेजिंग भी कंपनी जो है बनाती है। तो बल्क में अगर किसी को अगर पैकेजिंग अगर बनवानी हो तो किसी कंपनी को, किसी तो कंपनी उसके लिए भी काम करती है। तो देख सकते हैं पैकेजिंग प्रोडक्ट में कंपनी जो है और काम कर रही है, सैनिटाइजर, डिस्पेंसिंग, फूड कंटेनर, पेंट पैकेजिंग, लुब्रिकेंट पैकेजिंग, बल्क पैकेजिंग, तो देख सकते हैं कंपनी के पास में एक अच्छी खासी इंडस्ट्रीज को एक कैटर करने के लिए कंपनी के पास में प्रोडक्ट मौजूद है, और आगे ये अपने इन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को आने वाले टाइम में बढ़ाती हुए दिखेंगे। जहां पे प्रोजेक्ट केजिंग की डिमांड आएगी वहां पे इसको ये कंपनी जो है आगे आने वाले टाइम में बढ़ाती हुई दिखेगी। तो फ्रेंड, फिलहाल हमने क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम बने आपसे अपना मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में, जहां पे आपको ये 4 बेनिफिट्स मिलते हुए दिखेंगे। और टेलीग्राम चैनल है हमारा क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से, आप उसे ज्वाइन करके ये बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रॉफिटेबिलिटी देखें आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, हर तरीके से स्टैंड अलोन देख लें चाहे आप, एंड चाहे आप कंसोलिडेटेड देख लें, हर पैरामीटर पर कंपनी जो है खड़ी उतरी है, हर पैरामीटर पर देखेंगे आप परफॉर्मेंस सुधरती हुई नजर आई है। कमेंट्री सुना मैनेजर की, जो कमेंट्री क्या कही है, कमेंटिंग ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस फॉर Q4 and 12 months FY, मिस्टर लक्ष्मण राव चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मोलटेक पैकेजिंग के, वी हैव सीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर एडेड बाई गुड डिमांड इन पेंट एंड फूड एंड FMCG सेगमेंट on the heels of a healthy Q2 and Q4 recovery, this quarter saw exceptional growth across paint and food business. तो paint and food business से एक अच्छा खासा performance देखने को मिला है, और आने वाले time में ये कह रहे हैं कि आने वाले time में अगर अच्छी खासी recovery और आने वाले time में देखने को मिलती हुई दिखेगी।
एनुअल स्नैपशॉट एंड फ्यूचर आउटलुक देखेंगे तो न्यू प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट में कंपनी एक अच्छा खासा एक ध्यान दे रही है, आगे न्यू प्रोडक्ट बनाती हुई दिखेगी। कमर्शियल सप्लाई एंड ऑफ पंप्स में भी कंपनी जो है परफॉर्मेंस दिखा रही है आने वाले टाइम में। वेरिएबल क्यू आर प्रिंटिंग तो वेरिएबल क्यू आर प्रिंटिंग भी कंपनी जो है एक सक्सेसफुली जो है कंपनी ने लॉन्च कर दी है। हर जो इनका जो पैक हुआ करेगा उस पर क्यू आर प्रिंटिंग आई करेगी अब। एंड लॉन्च ऑफ स्वीट बॉक्स, तो स्वीट बॉक्स भी जो है कंपनी ने लॉन्च किए हैं। एडिशनल कैपेसिटी, तो कंपनी ने ये है कि अपना एडिशनल कैपेसिटी भी लास्ट 10 मंथ में जो है एक धीरे धीरे ऐड की है। न्यू इंडस्ट्रीज, तो कंपनी ये है कि इम्प्रूव कर रही है अपने प्रोडक्ट की रेंज को और न्यू इंडस्ट्रीज में भी अपना एक्सपेंड कर रही है, जैसे कि न्यू सेगमेंट में रेस्टोरेंट, डेट्स एंड ग्रोथ एनहांसर, सीड्स, सम ऑफ दिस सेगमेंट विल बी आवर ग्रोथ ड्राइवर्स ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो देख सकते हैं कंपनी कुछ न्यू सेगमेंट्स में भी अपना हाथ आजमाएगी, न्यू इंडस्ट्रीज में अपना हाथ आजमाएगी। न्यू प्लांट उत्तर प्रदेश में कंपनी जो है लगाने वाली है। तो वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू डेट यू आर ड्यू डेट कंपनी सेटिंग अप न्यू प्लांट इन उत्तर प्रदेश टू कैटर द नीड्स ऑफ ऑल नॉर्थ रीजन क्लाइंट्स। कंपनी इज पार्टिसिपेटिंग इन ई ऑक्शन फॉर लैंड पूलिंग। रिसाइकलिंग पे भी कंपनी जो है काम कर रही है, रिसाइकलिंग पे भी फायदा आगे वाले टाइम में कंपनी जो है उस पर काम करती हुई दिखेगी। लुकिंग अहेड, द बिजनेस सिनेरियो इज फ्लिट विद द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक हिटिंग द कंट्री रिजल्टिंग इन मल्टीपल लॉकडाउन। द फर्स्ट प्रायोरिटी दिस सिचुएशन इज द सेफ्टी एंड वेल बींग ऑफ आवर एम्प्लॉयज। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये जो कह रहे हैं कि ये जो न्यू प्रोडक्ट बनाते हुए देखेंगे, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हुए देखेंगे, अपने न्यू एरियाज में जाते हुए देखेंगे, न्यू इंडस्ट्रीज में जाते हुए देखेंगे, एडिशनल कैपेसिटी जो इन्होंने बढ़ाई है, लंच ऑफ स्वीट बॉक्स जो इन्होंने बढ़ाए हैं, वेरिएबल क्यूआर प्रिंटिंग में जो अपनी काम करते हुए देखेगी, कमर्शियल सप्लाई के लिए कंपनी काम करते हुए देखेगी, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए देखेगी, तो ये जो फ्यूचर के लिए जो इनके जो आउटलुक है इसको देखते हुए लगता है कि कंपनी एक अच्छा खासा फायदा आने वाले टाइम में उठाती हुई दिखेगी पैकेजिंग इंडस्ट्री में रह के। बढ़िया परफॉर्मेंस और बढ़िया आगे एक फ्यूचर आउटलुक भी कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है। वही शेयर भी दिखा रहा है फ्यूचर आउटलुक, देख सकते हैं शेयर क्या दमदारी से शेयर देख सकते हैं आप ऊपर इस समय पर अपने लाइफ टाइम हाई पे बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। ये शेयर का चार्ट दमदार वाला चार्ट है शेयर का, ये वाला बेस हम लेके चलेंगे। यहां से शेयर ने फिर दोबारा से अपनी ग्रीन लाइंस पकड़ ली है और एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है और देख सकते हैं करीब करीब शेयर जो है यहाँ पे अपना ये लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में अपने वहीं के वहीं ये टिका हुआ है, नीचे नहीं जा रहा है। और देखेंगे तो 390 रुपए के ऊपर ये शेयर बिल्कुल अपने बुलिश ट्रेंड में है, 390 रुपए के ऊपर जब तक ये है। और मेरे ख्याल से इस शेयर को आप 450 रुपए से 500 रुपए के बीच में आप इसे परचेस करें, 450 से 500 रुपए के बीच में आप इसे सिप के थ्रू परचेस करें। नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है वो स्टॉप लॉस लगा के चलना है इस वाली कैंडल के बिल्कुल लो पे। तो इसका कैंडल का जो लो है वो है 435 रुपए का, 435 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस ये शेयर आने वाले टाइम में दिखाता हुआ नजर आएगा और जैसा मेरे को लगता है ये शेयर बड़े ही आराम से यहाँ से 700 से 750 रुपए तक के टारगेट ये अपर वाली लाइन में, ये वाली जो लाइन है यहां तक ये पहुंचता हुआ नजर आएगा 1 से 1.5 साल के अंदर। तो 700 से 750 रुपए तक के टारगेट मेरे शेयर पे हैं आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। मैं आपके सामने शॉर्ट टर्म का इसका व्यू रख देता हूँ कि शॉर्ट टर्म में शेयर कहां जा सकता है। तो शेयर ने यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बेस बना लिया है और इस बेस को एक हम बेस मान के यहां से हम अपसाइड में देखेंगे कि शेयर कहां पे अभी टिका हुआ है। तो देखेंगे 38.2% की रेजिस्टेंस के पार आप देखेंगे ये वाला हाई लगाने के बाद करीब 4 हफ्ते से वहीं के वहीं टिका हुआ है। तो यहां पे आप शेयर को 470 रुपए के ऊपर आप परचेस करें, मतलब यहीं के यहीं आप इसको परचेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही जगह पे मिल रहा है, कंसोलिडेशन बहुत समय से चल रही है। 470 रुपए के ऊपर आप इसे परचेस करें और नीचे आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है इस वाली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है, वो स्टॉप लॉस आपका लगेगा 448 रुपए का। 448 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 470 रुपए से 480 रुपए के बीच में आप इसे परचेस करें और जहां चल रहा है वहां भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। जैसा मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है अपने इस वाले हाई को तोड़ते हुए दिखेगी, लाइफ टाइम के हाई को तोड़ते हुए दिखेगी और ये कंपनी का जो शेयर है आपको बड़े ही आराम से 530 रुपए से 545 रुपए तक के टारगेट आने वाले नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक ये शेयर दिखाता हुआ नजर आएगा। बढ़िया कंपनी मोलटेक पैकेजिंग, पैकेजिंग इंडस्ट्री में अच्छा खासा इन्होंने एक परफॉर्मेंस दिखा भी रखी है। मैं आपके सामने इनका जो है एक सिनेरियो रख देता हूं और इनके जो है आप देखेंगे यहाँ पे
फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 की फेस वैल्यू है, 73 की बुक वैल्यू है, ईपीएस 17 की है, और परफॉर्मेंस में अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। डिविडेंड देखेंगे, रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। बोनस देखेंगे तो बोनस नहीं दिया है, हालांकि डिविडेंड रेगुलर पे कर रही है। एनुअली प्रॉफिट देखें आप, क्या जबरदस्त प्रॉफिट कंपनी एक सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है एनुअली। एंड डेप्ट भी कंपनी जो है धीरे धीरे कम करती हुई नजर आ रही है। एंड अच्छे खासे एक डीआईआई के पास भी होल्डिंग मौजूद है, और आप देखेंगे तो 19% की आरओई कंपनी की, बढ़िया आरओई कंपनी की, जबरदस्त परफॉर्मेंस। आने वाले टाइम में ये कंपनी एक परफॉर्मेंस बढ़िया दिखाती हुई दिखेगी। मार्केट कैप भी देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी है, बढ़िया परफॉर्मेंस, बढ़िया बिजनेस, और अच्छा बिजनेस कर रही है कंपनी। पैकेजिंग सेक्टर वैसे भी आगे एक जबरदस्त ग्रोथ करता हुआ नजर आ सकता है, जिस तरीके से एफएमसीजी पेंट सेक्टर के लिए, एफएमसीजी सेक्टर के लिए ये रफ्तार पकड़ते हुए नजर आएंगे, और बाकी ये रफ्तार पकड़ते हुए दिख ही रहे हैं। एफएमसीजी से तो एक रफ्तार मिल ही रही है, अच्छी खासी डिमांड मिल ही रही है अच्छी खासी देखने को, और पेंट सेक्टर भी धीरे धीरे फिर रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा, लुब्रिकेंट सेक्टर भी रफ्तार पकड़ेगा, तो धीरे धीरे कंपनी के प्रोडक्ट में डिमांड आती हुई दिखेगी, और ये शेयर एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखेगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, आपको इस एनालिसिस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी, आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।